जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए, जो आप लोग मंत्र जप करते हो, जप अनुष्ठान करते हो, अगर आप लोग घर में बैठ के करते हो उसका अलग फल मिलता है, अगर आप कहीं बाहर बैठ के करते हो उसका अलग फल मिलता है, किसी शिवालय में या किसी मंदिर में करते हो उसका अलग फल की प्राप्ति होती है, या किसी तीर्थ स्थान पे करते हो, या किसी जंगल में करते हो, किसी पहाड़ी पे करते हो, इनकी अलग अलग गुना फल की प्राप्ति होती है। अलग अलग जगह पे मंत्र जप करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अगर दर्शकों आप हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय जानकारी, व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत से लोग अपने देवी देवताओं की, जो इष्ट उनके आराध्य देवता होते हैं, देवी होते हैं, उनके मंत्रों की माला निकालते हैं प्रतिदिन दैनिक पूजन में, या आप लोग समय समय पे अनुष्ठान करते हो, अनुष्ठान या जप करते हो, अलग अलग उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो इसकी जानकारी बता रहे कि आप लोग अलग अलग जगह पे अगर मंत्र जप करते हो तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है। चाहे वो कोई भी मंत्र जप करते हो, किसी देवता का करते हो, किसी देवी का करते हो, या किसी भी मंत्र का जप करते हो, उसकी अलग अलग गुना फल की प्राप्ति होती है। तो कहाँ बैठ के मंत्र जप करने से कितनी गुना फल की प्राप्ति होती है, आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं। आप लोगों को हम फिर से बता देते कि किसी भी मंत्र की बात कर रहे हैं, कि जो देवी देवता होते हैं, या कोई साधना करते हो, आपके गुरु के द्वारा मिला हो, या कोई भी मंत्र हो, अलग अलग जगह पे मंत्र जप करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। वो कोई भी मंत्र हो सकता है। अगर आप लोग किसी भी मंत्र का जप करते हो आपके घर में बैठ के, या जप करते हो या उसका अनुष्ठान करते हो, घर पे बैठ के मंत्र जप करते हो, उसका एक गुना फल मिलता है आपको। वैसे ही किसी गौशाला में बैठ के किसी भी मंत्र का जप करते हो, कोई अनुष्ठान जप करते हो, उसका फल 100 गुना मिलता है। वैसे ही किसी भी बगीचे में या किसी भी तीर्थ स्थल पे मंत्र जप करते हो या कोई अनुष्ठान करते हो, कोई भी बगीचा हो सकता है, कोई भी तीर्थ स्थान हो सकता है, किसी भी मंत्र का जप करने से, किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने से उसका 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। वैसे ही किसी भी पर्वत पहाड़ के ऊपर अगर आप कोई मंत्र जप करते हो, किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हो, जो उसका फल मिलता है 10,000 गुना मिलता है। वैसे ही किसी भी नदी के किनारे, किसी भी पवित्र नदी या किसी भी नदी के किनारे बैठ के जप करते हो, किसी मंत्र का जप करते हो या किसी मंत्र का अनुष्ठान जप करते हो, उसका 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। वैसे ही किसी भी देवालय या किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता का जो भी मंदिर रहता है, अगर वहाँ पे बैठ के किसी भी मंत्र का जप करते हो या किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हो, उसका फल मिलता है 1,00,000,000 गुना। वैसे ही किसी शिवालय में बैठ के जप करते हो, किसी भी मंत्र का या किसी भी अनुष्ठान को करते हो, वहाँ पे बैठ के जप करने से उसकी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वहाँ पे बैठ के जप करने से अनगिनत फल की प्राप्ति होती है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, किसी भी मंत्र का जप करते हो या किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हो। तो हमने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे मंत्र जप आप लोग अनुष्ठान जप कर सकते हो, उसका कितना फल मिलता है। तो आपके पास ऐसी सुविधा हो, अलग अलग जगह पे आप किसी पहाड़ पे या किसी मंदिर पे या शिवालय में बैठ के या किसी भी तीर्थ स्थान पे बैठ के या किसी नदी के किनारे बैठ के जप करते हो या किसी भी गौशाला में, उसका कितना फल मिलता है किसी भी मंत्र को जप करने से या किसी मंत्र का अनुष्ठान करने से। अगर आप लोगों के पास ऐसी सुविधा हो कि आप ऐसे जगह जाके मंत्र जप कर सकते हो, अगर आप लोग किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हो या किसी मंत्र का जप करते हो, अलग अलग जगह के अनुसार आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। जो लोग ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी जगह है उनके पास, ऐसी व्यवस्था है, तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे जगह पे जाके मंत्र जप करना चाहिए। किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो, किसी भी मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। हमने बताया है पार्ट 1 में मंत्र जप करने के कितने प्रकार होते हैं, किसी भी मंत्र को कितने प्रकार से जप सकते हो, किसी भी मंत्र को जपने के सही तरीके क्या होते हैं, मानसिक वाचिक और उपांशु जप करने के क्या तरीके होते हैं, इस तरह से जप करने से कितने गुना फल की प्राप्ति होती है,
सही तरीके से मंत्र जप करने से कई गुना फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है, आपको इसकी जानकारी पूर्णता उस वीडियो में पार्ट वन में मिल जाएगी। हमने आपको पूर्ण जानकारी बता दी जो अलग अलग जगह पे जप करते हैं उसका कितना फल मिलता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमने बता दी। जय भवानी।